ई मजेदार प्रयोग बहुत ही साधारण सामग्री से करल जा सकेला। एकरे खातिर अपने के मोमबत्ती, ग्लास, प्लेट और माचिस लगी। माचिस मतलब माचिस का डब्बी लगी। पहले एगो मोमबत्ती के जला के एगो प्लेट में रख लें। अब ओकरे अंदर रंग वाला पानी धीरे धीरे डालें। ऐसा कैले के बाद एगो ग्लास उल्टा मोमबत्ती के ऊपर रख लें और जैसा हम लोग जानत हैं जा कि जलत भइल चीज हवा से ऑक्सीजन खा जाएला और वो पानी के अंदर खींचा जाए ग्लास के, और ऑक्सीजन खत्म होने के बाद लौ बुझ जाए। मोमबत्ती बुझले के बाद जितना पानी अंदर चढ़ल भइल हुए ओके रबर बैंड से बांध के ओकर सतह मार्क कर लें। अब ये प्रयोग हम लोग एगो मोमबत्ती के जगह पे दू गो मोमबत्ती से करें जा और वह ग्लास यूज करें जा जब पर रबर बैंड हुए, और हम लोग देख सकें जा कि दू गो मोमबत्ती और ज़्यादा ऑक्सीजन लेवेला, ये लिए पानी पहले के सतह से और ज़्यादा ग्लास में भर जाए। सतह के एगो और रबर बैंड से मार्क कर लें। अब ये प्रयोग हम लोग तीन गो मोमबत्ती से करें जा कैले के बाद हम लोग देख सकें जा कि पानी तो और ज़्यादा बढ़ गई हवे वैक्यूम भइले के वजह से, और जो ऑक्सीजन मोमबत्ती खा जाता जलने में ओकरे वजह से। लेकिन ये इतना आसान ना हवे समझे खातिर, तनी सा दिमाग लगाएं कि पानी का सतह और ऊपर कहें जात हवे। इतना आसान ना हवे काहे कि ग्लास के अंदर तो हवा उतने रहला हर केस में। हर मोमबत्ती का भी आपन खुदे क्षेत्रफल और ओकर लंबाई हवे, तो ओकर वॉल्यूम खुद भी तो आई ना।